हाय फ्रेंड्स, मेरा पास आज एक सैमसंग का लैपटॉप आया है जिसका मॉडल नंबर है RV509। इसमें प्रॉब्लम है, हार्ड ड्राइव डिटेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब हार्ड ड्राइव ख़राब हो गया। तो इसमें नया SSD लगाना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, कैसे नया SSD लगाएंगे वो आप लोग देखिए वीडियो एंड तक। पीछे एक तो स्क्रू रहता है, उसको खोलना है। ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप। देखिए इसमें जो पुराना जो हार्ड ड्राइव, नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, सीगेट का है, एज इट इज इसको कनेक्टर से खोल देना। अब इसमें नया SSD ड्राइव लगाना है। देखिए ये जियोनिस का है, 256 GB SSD। नॉर्मल हार्ड ड्राइव और SSD हार्ड ड्राइव में पोर्ट एक ही रहता है, सेम पोर्ट है, कोई फर्क नहीं है, ऐसे ही लगा देना है। देखिए जियोनिस का है फ्रेंड्स। नॉर्मल जो हार्ड ड्राइव होता है उससे बेटर है SSD, थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है। अब देखना है SSD डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं, लैपटॉप ऑन करके देखना है। अब लैपटॉप ऑन हो गया, बाज में जाना है, F2 मार के बूट में जाना है। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए ये SSD ड्राइव शो हो रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।